पेंटिंग से मुझे बहुत लगाव है, मैं भी थोड़ी थोड़ी पेंटिंग सीख रही हूँ। ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा एक नए पेंटर का जन्म होता है। और श्याम जी ने जो आज ये पेंटिंग दिखाई वो राजस्थान से है, उनका एक एसेंस है और उनके जो पेंटिंग्स दरमियान वो जो कहना चाहते हैं नेचर के बारे में, आज के हालात के बारे में, इट्स वेरी नाइस एंड ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। वो एक 3D इफेक्ट देते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी समथिंग न्यू। यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है, उनके स्कल्पचर्स भी बहुत बढ़िया है। गणपति जी की पेंटिंग हमेशा हम लोगों को पसंद आती है, बट वन ऑफ द पेंटिंग्स आई लाइक्ड गांधी जी के 3 बंदर है। एंड इफ यू रियली लुक एट दैट पेंटिंग, आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक दैट वॉज रियली स्मार्ट वन। या मैंने पेंटिंग अभी शुरुआत की है, 1 साल से वगैरह। इससे पहले पता नहीं था कि क्या करें, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा ठहराव आ गया है तो अभी क्या करना है सोच रही हूँ। तो पेंटिंग एक अच्छा नज़रिया है जहाँ पर मुझे कैनवस पर मैं अपने विचार क्रिएटिविटी रख सकती हूँ। हीरोइन, येस, आई एम डूइंग अ कैमियो और आई एम हैप्पी दैट आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म। And Reena is one of my favorite actors. I got to share a screen space with her. Yeah, it's nice. I can't tell you anything about the character. You go and watch the film. Yeah, मुझे पता नहीं था क्योंकि cameo है तो promos में आए हैं, नहीं पता नहीं था, लेकिन मुझे birthday के दिन पता चला जब promos out हुए हैं, मैंने YouTube पे देखा और पता चला and it was nice. I got response. Entire heroine team got a good response. So yeah, I'm very happy for it. Right now, as of paintings and acting and dancing, so those arts we are always involved in. बट पेंटिंग इज समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग माई हैंड इन। पता नहीं, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा स्केच करना शुरू किया है। आई थिंक दैट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट आर्ट इज एन आर्ट, नेवर नो, नेवर थॉट, आई एम जस्ट बिगिनिंग, सो यू नेवर नो, लेट्स सी।